देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरा हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस वर्ष 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा के साथ पदयात्रा की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उद्देश्य भारत जोड़ो कार्यक्रम में लोगों ने झंडा लेकर पदयात्रा किया। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नमन किया और गोरेलाल बघेल के साथ पाटन भूमि पर जन्मे क्रांतिकारी सैनिकों को नमन किया और युवाओं को प्रेरणा के लिए कहा कि शाकरा से 17 सेनानी के साथ प्रदेश के अलग अलग जगहों से आंदोलन में भाग लिए सैनिकों को भी नमन किए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ पाटन क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश भर में खूब बारिश हो रही है, जिससे किसानों की फसलों को फायदा होगा। इस साल 1,10,00,000 धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जन सरकार रही है डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी के पावन धरती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के पदयात्रा का आयोजन, भारत जोड़ो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारी छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पाटन क्षेत्र में भी लगातार ये पदयात्राएं